11 मार्च 2008 की शाम को समाचार रिपोर्टर एंजेला विदाल और उनके कैमरामैन स्कॉट पर्सीवर लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के स्टेशन 27 पर अपना समाचार रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज करते समय अग्निशामक जैक और फ्लैचर को पास की एक इमारत से एक इमरजेंसी कॉल प्राप्त होता है। एंजेला और स्कॉट भी उनके साथ बिल्डिंग में जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो बिल्डिंग का मालिक उन्हें बताता है लंबे समय से एक कमरे से एक चिल्लाहट आ रही है। अग्निशामक और दो पुलिस वाले उसकी जांच करने के लिए ऊपर जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे दरवाजे को तोड़ देते हैं और एक कुत्ता बाहर चला जाता है। अंदर वे देखते हैं कि श्रीमती एस्पिनोसा नामक एक बूढ़ी महिला थी और उसका खून बह रहा है। हर कोई धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक एक पुलिस वाले पर हमला करती है और उसे खाने लगती है। फ्लैचर उसे कंट्रोल करता है और जैक उस घायल पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले के साथ बाहर लाता है। जब वे इमारत के मुख्य दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इमारत बाहर से बंद है। एक पशु चिकित्सक भी वही रहता है। वह इस पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है। दूसरा पुलिसकर्मी बाहर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन बाहर पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस का लगातार शोर होता है। बाहर से कोई कहता है कि वे उन्हें बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बिल्डिंग के सभी रहने वाले भयभीत हो जाते हैं और यहाँ से वातावरण और भी भयानक हो जाता है। इस बीच फ्लैचर ऊंचाई से गिरता है। जैक और पुलिस जांच के लिए ऊपर जाते हैं। वे स्कॉट और एंजेला को रुकने के लिए कहते हैं, पर वो चुपके से श्रीमती एस्पिनोसा के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। दोनों इतने आगे बढ़ जाते हैं कि एक महिला उनके सामने दौड़ती हुई आती है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर जैक भी वहां पहुंच जाता है। जब वह जांच करता है तो उसे पता चलता है कि महिला मर चुकी है। सामने की ओर श्रीमती एस्पिनोसा खड़ी थी और उसने महिला को मारा, उसके फ्लैचर को भी नीचे फेंका। पुलिस अधिकारी उसे हाथ उठाने के लिए कहता है, लेकिन वह उन पर हमला करती है, इसलिए पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार देता है। इसके बाद सभी निवासियों को उसके कमरे से बाहर निकाला गया और ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा किया गया। उन्हें कमरे में एक बीमार महिला मिलती है और वो उसे नीचे लाते हैं। उसके कमरे में एक चूहा दिखाई देता है। लोगों को देखते ही चूहे हमेशा भाग जाते हैं, लेकिन यह चूहा स्कॉट को काटने के लिए आता है, लेकिन स्कॉट उसे वही कुचल देता है। उस इमारत में एक कारखाना है। जैक उसी शटर को खोलने के लिए जाता है, लेकिन सेना के लोग उसे ब्लॉक कर देते हैं और दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अचानक सभी के फोन काम करना बंद कर देते हैं। हर कोई दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सैनिक उन पर गोली चला देते हैं। पूरी इमारत को धीरे धीरे सील किया जा रहा है। हर कोई पुलिस अधिकारी से पूछने लगता है कि यहां क्या चल रहा है और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी भी हालत अन्य निवासियों जैसी ही है। आखिरकार नाराज पुलिस अधिकारी सभी पर बंदूक तान देता है। यह देखकर हर कोई उसे परेशान करना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद एंजेला ब्रायना नाम की एक छोटी लड़की का इंटरव्यू लेने लगती है। ब्रायना कहती है कि वह बीमार है और अपनी माँ के साथ रहती है। उसके पिता उनके कुत्ते को लेकर बाहर गए हैं क्योंकि वह बीमार है। तभी अचानक फ्लैचर सीधा खड़ा हो जाता है, जबकि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई है और खून बहने बह रहा है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। जैक और पुलिस अधिकारी उसे पकड़ते हैं और डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देता है। डॉक्टर सभी को बताता है कि इन सभी घायल लोगों में रेबीज के लक्षण हैं, लेकिन ये रेबीज से भयानक बीमारी है, क्योंकि रेबीज के लक्षण दिखने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन ये लक्षण कुछ ही मिनटों में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर दो लोग चुपके से जा रहे हैं, लेकिन एंजेला और स्कॉट ने उन्हें पकड़ लेते हैं। वे एंजेला को बताते हैं कि उनके घर में एक टीवी है, वहां से पता लगा सके कि बाहर क्या हो रहा है। जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो एक आवारा कुत्ता उनके सामने आता है। यह वही कुत्ता है जो शुरू में कमरे से बाहर भाग गया था। तभी एक दूसरा आदमी लिफ्ट के पास आता है और कुत्ता उस पर हमला करता है। लिफ्ट बंद हो जाती है और एंजेला और बाकी सभी तुरंत भाग जाते हैं। वे तुरंत टीवी चालू करते हैं। खबरें कहती है कि इमारत के सभी वासियों को बाहर निकल लिया गया है। यह सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी उन्हें यहाँ से निकलने नहीं आने वाला और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। अचानक एक महिला अंधेरे में उन पर हमला करती है। स्कॉट उस महिला को कैमरे की मदद से मार देता है। वे सभी नीचे चले गए और वे जानते हैं कि CDC के लोग इमारत में आ रहे हैं। CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल।
हर कोई समझता है कि वे केवल एक रक्त परीक्षण करेंगे, लेकिन डॉक्टर सभी को बताता है कि रक्त परीक्षण का कोई फायदा नहीं है, उन्हें ब्रेन सैंपल लेना होगा। सीडीसी टीम कुछ ही समय में आती है। वे कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं। सीडीसी टीम एक कमरे में बीमार लोगों का परीक्षण करती है। स्कॉट और एंजेला यह सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीडीसी का आदमी फ्लेचर के मस्तिष्क को ड्रिल करता है, मतलब डॉक्टर का बताना सही है, वे ब्रेन सैंपल ले रहे हैं। यहाँ पर मस्तिष्क ड्रिल के बाद भी फ्लेचर जीवित है, यह देखकर सभी तुरंत वहाँ से भागने लगे। इसी दौरान फ्लेचर डॉक्टर को काट लेता है। सीडीसी का आदमी डॉक्टर को वहाँ बंद कर देता है। डॉक्टर का कहना है कि वह ठीक है, लेकिन अगले ही पल वह खिड़की पर खून बिखेरता है और वह दरवाजा तोड़ने लगता है। ये देख के जैक ने तुरंत शटर बंद कर दिया। फिर वे सीडीसी के आदमी से पूछने लगते हैं कि क्या चल रहा है। वो बोलता है कि उन्हें एक पशु चिकित्सक का फोन आया था, उसने एक कुत्ते और उसके मालिक का चेकअप किया था। कुत्ते को एक अलग बीमारी थी जिसके लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ का पता कुत्ते के कॉलर पर था। यह सुनकर सभी को पता चलता है कि वो कुत्ता ब्रायना का कुत्ता था और ब्रायना भी बीमार थी, इसलिए हर कोई उसे टेस्ट करवाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। उसी क्षण ब्रायन अपनी माँ को काटती है और भाग जाती है। एहतियात के तौर पर ब्रायना की माँ को सीढ़ी से बांध दिया जाता है और ब्रायना को देखने के लिए सब ऊपर जाते हैं। वे श्रीमती एस्पिनोसा के कमरे में पहुँचते हैं, लेकिन श्रीमती एस्पिनोसा वहाँ नहीं है। कोने में वे ब्रायना को खड़ा पाते हैं। वो पुलिस को काटती है क्योंकि वे उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सभी लोग भागने वाले थे, श्रीमती एस्पिनोजा दिखती है। जैक उसे हथौड़े से मारता है और सभी भाग जाते हैं। इस पल तक संक्रमित लोग शटर तोड़कर ऊपर आने लगते हैं, और आखिरकार वो सब खुद को ऊपर के कमरे में बंद कर लेते हैं। वहाँ उन्हें एक सीडीसी का आदमी मिला जिसे काट लिया गया था। जैक उसे वही रोक देता है। उनमें से एक लड़की के हाथों से खून बह रहा था क्योंकि उसे भी काट लिया गया था। यह देखकर एक आदमी खिड़की तोड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसको सामने से कोई गोली मार देता है। आर्मी ने उस कमरे में गोलीबारी शुरू कर दी। किसी तरह छुपकर सभी ने अपनी जान बचाई। यहाँ बिल्डिंग का मालिक उन्हें बताता है कि हम सभी नाली के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पहले उसे कमरे से चाबी लेकर आना होगा। तभी सीडीसी का आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी पत्नी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की उन पर हमला कर देती है, इसलिए जैक, स्कॉट और एंजेला चाबी खोजने के लिए भाग जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह मालिक के कमरे में जाना था, इसलिए वे रास्ते में हर संक्रमित व्यक्ति को हथौड़े से मारते जाते हैं। अंत में एंजेला को चाबियों का गुच्छा मिलता है, लेकिन उसमें बहुत अधिक चाबियां हैं। वे सभी चाबियां उठाते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है, इमारत का मालिक, जो अब संक्रमित है, जैक को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। तभी सारे संक्रमित लोग नीचे से ऊपर आने लगते हैं। स्कॉट और एंजेला ऊपर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे एक बंद कमरे को ढूंढते हैं, किसी तरह चाबी ढूंढते हैं और अंदर आते हैं। जब वे अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यह एक प्रयोगशाला है जहां चूहों पर प्रयोग किए जा रहे थे और आर्मगेडन नामक एक खतरनाक वायरस बनाया जा रहा था। जब वे ऊपर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां अंधेरा होता है। स्कॉट अपने कैमरे से जांच करता है, उसने वहां कोई दिखता है जो कैमरा से टकराया और कैमरा लाइट बंद हो गई। स्कॉट तुरंत नाइट विजन को चालू करता है और उसे दिखता है, विचित्र अवस्था में एक संक्रमित व्यक्ति उन्हें मारने के लिए वहां पहुंचा था। वह अंधेरे में वस्तुओं को पटकता है और स्कॉट और एंजेला को खोजने की कोशिश करता है। स्कॉट से हल्का शोर होता है और संक्रमित व्यक्ति स्कॉट को एक औजार से मारता है, इस वजह से कैमरा नीचे गिर जाता है। एंजेला डर जाती है। किसी तरह अंधेरे में वह कैमरे की तलाश करती है। वो कैमरा में देखती कि संक्रमित आदमी स्कॉट को खा रहा है। यह देखकर एंजेला चिल्लाती है, जिससे वह आदमी एंजेला की ओर झपटता है। कैमरा नीचे गिर जाता है। एंजेला उसे लेने के लिए जमीन पर रेंगती है, लेकिन अचानक वो आदमी उसे अंधेरे में खींच लेता है और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। आखिरकार कोई भी नहीं बचता।